डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला का बयान सामने आया है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं सिरसा से, जहां उप मुख्यमंत्री ने बयान दिया है संविधान दिवस के मौके पर संवैधानिक चर्चा होगी। डिप्टी सीएम ने कहा है 26 नवंबर को होगा एक दिवसीय विधानसभा सत्र और संवैधानिक चर्चा की जाएगी। कॉमन मिनिमम प्रोग्राम पर डिप्टी सीएम का बयान सामने आया है। उप मुख्यमंत्री ने कॉमन मिनिमम प्रोग्राम पर बयान दिया, रोड मैप बनाकर तैयार किया जाएगा कॉमन मिनिमम प्रोग्राम। साथ ही एसटीईटी परीक्षा केंद्र जिलों में बनाकर सरकार ने अपना वादा भी पूरा किया है। और ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता अमित तिवारी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े हैं। अमित, उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला का बयान सामने आया, काफी अलग अलग मुद्दों को लेकर उन्होंने कई बातें कही है, क्या कुछ रहा है इसमें? जी बिल्कुल, आज दुष्यंत चौटाला सिरसा पहुंचे थे और डिप्टी सीएम ने जो है पत्रकारों के साथ चर्चा की। उन्होंने कहा कि कॉमन मिनिमम प्रोग्राम है जो उसे पूरी तरह से लागू किया जाएगा। इसके अलावा जो सरकार ने अपने वायदे पूरे करने का जो सिलसिला वो शुरू कर दिया है, एचटेट परीक्षा गृह जिलों में करवाकर सरकार ने एक वायदा है वो निभाने का काम किया है। इसके अलावा भी उन्होंने बड़ी बात यह भी कही कि जो एक अभी मंत्रिमंडल विस्तार में अभी एक जेजेपी का एक विधायक और शामिल किया जाएगा। इसके अलावा दूसरे जो सरकारी पद हैं उन पर भी जो है दूसरे जेजेपी के विधायकों को जो है विराजमान किया जाएगा। जी बिल्कुल, संविधान दिवस के मौके पर संवैधानिक चर्चा की जाएगी, किस चर्चा की बात की जा रही है और ये पूरा कार्यक्रम क्या कुछ रहेगा अमित? जी निश्चित रूप से जो 26 नवंबर को एक विशेष जो है अधिवेशन बुलाया गया है, उस पर भी जो है उनका कहना है कि संविधान दिवस को लेकर भी चर्चा की जाएगी और इस विशेष अधिवेशन में भी कई जो है मुद्दों पर भी चर्चा होगी। जी बिल्कुल, गांव में जो शराब के ठेके हैं उसको बंद करने के लिए लगातार सरकार प्रयासरत है, उसको लेकर भी बड़ी बात कही है दुष्यंत चौटाला ने। अमित, क्या आपको मेरी आवाज मिल पा रही है? चलो, अमित से संपर्क टूट गया लेकिन ये जानकारी हम तक पहुंचा दिया अमित ने कि जिस तरीके से संविधान दिवस के मौके पर संवैधानिक चर्चा की जाएगी, एक विशेष अधिवेशन बुलाया जाएगा, इसके अलावा धान की फिजिकल वहां पर जो काम जो किया जा रहा है उसको लेकर लगातार सरकार ने जो स्टॉक को लेकर काम किया उसको लेकर क्या दुष्यंत चौटाला ने सेलर्स के पास स्टॉक में अनियमितता पाए जाने पर कड़ी कार्रवाई की बात भी कही है। तो ये बड़ी बातें किसानों को लेकर, मंत्रिमंडल के विस्तार को लेकर, साथ ही शराब के ठेकों को बंद कराने को लेकर, इसके अलावा एसटीईटी परीक्षा केंद्रों को लेकर भी उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने कई बड़ी बातें कही है। कॉमन मिनिमम प्रोग्राम पर डिप्टी सीएम का बयान सामने आया, उन्होंने कहा कि आगे की रणनीति बनाई जाएगी, रोड मैप बनाकर कॉमन मिनिमम प्रोग्राम तय किया जाएगा। इसके अलावा उप मुख्यमंत्री ने एसटीईटी परीक्षा केंद्र जिलों में बनाकर सरकार ने अपना वादा पूरा किया है ये भी कहा है। तो तमाम अलग अलग मुद्दों पर उन्होंने अपनी बात रखी है, साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि गांव में शराब ठेकों के खिलाफ प्रभावी कदम उठाएंगे।